नमस्कार, अंजू पंकज की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी बेसन की सब्जी। तो बेसन की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी बेसन लिया है, लगभग 150 ग्राम। दो प्याज मैंने बारीक काट ली हैं, दो टमाटर ये मैंने मिक्सी में पीस लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन, गरम मसाला, नमक, हरी मिर्च कटी हुई, हरा धनिया कटा हुआ। यहाँ पे मैंने ये सरसों का तेल लिया है, आप जो भी तेल यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और पानी। सबसे पहले ये मैंने एक बाउल लिया है, इसमें इस बेसन को मैं डाल लूँगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ही डालेंगे और मिलाएंगे, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। एक साथ पानी इसमें हमें नहीं डालना। इस तरीके से इसे मिलाते जाएंगे। तो इस तरीके का हमें ये घोल तैयार करना है। इसमें मैंने एक कटोरी बेसन लिया था, तो 3 कटोरी इसमें मैंने पानी डाला है, जिससे हमारा यह घोल तैयार हो गया है। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक डालूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये मैंने पैन लिया है, इसको गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है। 1 चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म होने पर ये जो बेसन का घोल है ये इसमें डाल देंगे और इसे अब हम चलाएंगे। इसे हमें इस तरीके से चलाना है कि बर्तन में ना लगे और लम्स भी ना पड़े। इसको हमें चलाते रहना है। इस तरीके से चलाएंगे इसे। ये देखिए, बेसन हमारा गाढ़ा हो गया है। अब इसे हम लगभग 10 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। इस तरीके से चलाना है। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा बेसन अब पककर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे जमाना है, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने एक प्लेट ली है, इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसे चारों तरफ मैंने इस तरीके से फैला लिया है। अब इसमें ये बेसन है ये डाल लेंगे। इसको थाली में चारों तरफ फैला लेंगे, पतली और इसको फैला लेंगे। इस तरीके से हम फैला लेंगे। अब इसे हम जमने के लिए रख देंगे। इसे जमने में लगभग 10 मिनट लगेंगे। ये देखिए, बेसन हमारा अब जमकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके छोटे टुकड़े काट लेंगे। जिस तरीके से हम बर्फी काटते हैं, इसी तरीके से हमें इसके छोटे पीस काटने हैं। इसे काटेंगे।
देखिए इस तरीके से हमारे पीस तैयार हो जाएंगे। सारे पीस हम इसी तरीके से काट लेंगे। फिर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच तेल डालूंगी। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं 1 चम्मच अजवाइन डालूंगी। कटा हुआ प्याज है ये डाल देंगे इसमें और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी भून चुकी है। अब इसमें मैं 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसे चला लेंगे। ये हरी मिर्च कटी हुई है ये डाल देंगे इसमें। इसे भी थोड़ी देर हम भून लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पर 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। अभी जो हमने टमाटर पीस के रखे हुए हैं ये डाल देंगे इसमें। अभी इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। इस मसाले को हम जब तक भूनेंगे जब तक ये मसाला हमारा तेल ना छोड़ दे। ये देखिए मसाला हमारा भून के तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं 1 कप पानी डालूंगी, इससे हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और हम इसे उबाल आने तक पकाएंगे। देखिए उबाल आ चुका है। अब इसमें ये जो पीसेस हमने काट के रखे हुए हैं ये डाल देंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। ये देखिए 5 मिनट हमारे हो चुके हैं और सब्जी भी हमारी बन चुकी है। अब इसमें मैं हरा धनिया डालूंगी, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालूंगी, 1/2 चम्मच। ये देखिए सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। बेसन की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। यदि आपको मेरी यह बेसन की सब्जी की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।